तो चलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक लगे हैं कि नहीं लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं मेरे यूजर नेम भी आप देख सकते हैं, कुंदन41। यहाँ पर देख सकते हैं साइड में मेरे ब्लू टिक लग गए हैं। ठीक है, तो मैंने ये कैसे लगाया और आप कैसे लगा सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगा। तो वीडियो पर बने रहिएगा, बिना स्किप करके तो आप देखिएगा। लोगों ने देख ही लिया कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर ब्लू टिक लगा हुआ था। मैंने आपके साथ लाइव प्रूफ के साथ आपको पहले मैंने वीडियो में दिखा दिया, तो उसको आप कैसे लगा सकते हैं अपने प्रोफाइल में। ठीक है, तो ये फेक रियल नहीं है, याद रखिएगा ये फेक है। तो आपको ये कैसे लगाना है और अपने दोस्तों को कैसे चौंकाना है, मतलब ये कॉपी पेस्ट वाला नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ से किसी भी चीज़ को कॉपी पेस्ट करके तो वो ब्लू टिक आपका नहीं आता है। तो मैं आपको आज ब्लू टिक ला के दिखाऊंगा, तो आप लोगों ने पहले ही देख चुके होंगे। तो चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी ला के दिखा देता हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो रेड वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटा कहने का उसको भी ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी जल्दी पहुंच सके और आप हमारे सबसे पहले वीडियो को देख सके, जिससे आपको बहुत सारी हेल्प मिल सके हमारे वीडियो से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पर चले आना। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर प्ले स्टोर पर आ गया। आ जाने के बाद आपको एक ऐप डाउनलोड निकालना है। अब छोड़ के मत जाइए, ये कोई दूसरा ऐप नहीं, यहाँ पर आपको सर्च करना है वेब इंस्पेक्टर। ठीक है, आपको स्पेलिंग दिख रहा होगा, यहाँ से इसको डेसेंस करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर में हमारा आ चुका है। मैं इंस्टॉल करके रखा हूँ, तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। देख सकते हैं लोगो भी इस तरह है, तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल कर लेने के बाद मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे मैंने इस ऐप को ओपन किया तो थोड़ा सा वेट करते हैं। ये गूगल ही है, मेरा ब्राउजर है, तो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है गूगल सर्च बॉक्स में, इंस्टाग्राम सर्च कर लेना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ इंस्टाग्राम सर्च करेंगे तो आप सामने आ जाएगा। इसके बाद सबसे ऊपर वाला में आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपने यूजर नेम और पासवर्ड डाल के अपने आईडी को लॉगिन कर लेना है, जिस आईडी पर आप ब्लू टिक लगाना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने आईडी को पहले ही लॉगिन करके रखा था, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इसीलिए। तो चलिए आपको करना कि आपको मतलब जिस मेंबर का, जिस भाई का यहाँ पर आपका ब्लू टिक है, उसका नाम आपको यहाँ पर सर्च करना है। ठीक है, जिसका भी ब्लू टिक है आपके नज़र में, कोई किसी का भी ब्लू टिक है, तो आप वहाँ उसका नाम आपको सर्च कर लेना। देखिए, देख सकते हैं मैं पपाया गेगवार का सर्च करता हूँ। देख सकते हैं इसका ब्लू टिक है, तो आप जिसका ब्लू टिक होगा उसका नाम यहाँ पर आपको सर्च कर लें। जैसे मैंने इसका नाम सर्च किया, इसका ब्लू टिक है इसलिए मैंने इसका नाम सर्च किया। याद रखिएगा, आप जिसका ब्लू टिक होगा उसका ही नाम आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद ऊपर में देखिए एक हाथ जैसा का आइकन बना हुआ है, तो यहाँ पर एक बार आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पर ब्लू टिक पर एक बार आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक किए, इसके बाद यहाँ पर जितना भी आएगा यहाँ पर यूआरएल, इसको आपको कॉपी कर लेना है। तो देख सकते हैं ये यूआरएल हमको कॉपी कर लेना है। ठीक है, पूरा आपको अच्छा तरह से कॉपी कर लेना है। जैसे इसको आप एक भी छोड़िएगा मैं, ठीक है, इसको कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर कॉपी पर मैंने क्लिक किया। इसके बाद आपको बैक चले आना है। बैक चले आने के बाद यहाँ पर आपको इस डिसेबल कर देना है, इस हाथ वाला आइकन को क्लिक करके यहाँ पर डिसेबल कर देना है। जैसे मैंने इसको डिसेबल कर दिया, इसके बाद आपको अपने प्रोफाइल में आ जाना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको प्रोफाइल में, अपने प्रोफाइल में आ गया। आ जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे अभी देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कोई ब्लू टिक लगा हुआ नहीं है। यहाँ पर आपको फिर से हाथ वाला आइकन में एक बार क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल के, यहाँ पर आपको यूजर नेम ही प्रेस करना है। जैसे यूजर नेम में प्रेस करेंगे, इसके बाद यहाँ पर यूआरएल में सबसे यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह कर लिए, इसके बाद जो कॉपी किए थे उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिए। चलिए मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ऊपर में देखिए एक तीर का आइकन बना हुआ है उस तरह ऊपर की ओर, तो इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर ब्लू टिक आ चुका है। ठीक सकते हैं, मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ ला के भी दिखा दिया। देख सकते हैं मेरे ब्लू टिक यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस तरह करके आप भी अपने अकाउंट पर ब्लू टिक ला सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या आपको ये ट्रिक पता था, नहीं पता था तो उसके लिए बताइए, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसके लिए बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर आपके लिए बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।